तो ये मैं आप स्लाइड के बारे में बता रहा हूँ, ये मैंने नीचे से बनाया और ये पीट वगैरह करेगी, मैं इसको खींच के निकालूंगा और साफ करके धोके वापस लगा दूंगा। तो दोनों को बच्चे मैं इसी में डाल दूंगा और देखूंगा कि अगर ये इनकी माँ अगर बच्चों को ले लेती है तो इसके साथ छोड़ दूंगा, और ये ले लेती है तो इसके साथ छोड़ दूंगा। तो जो सी इन बच्चों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल ऑर्गेनिक फार्म चंडीगढ़ में। तो दोस्तों आज हम नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें मैं क्या करूँगा कि जो मेरे बच्चे निकले हुए थे ये कड़कनाथ ने निकाले थे, ये 11 बच्चे हैं, तो इस जगह में इनको छोटी पड़ रही है जगह और कंफर्टेबल नहीं है अब। तो मैं बच्चे शिफ्ट करूँगा और शिफ्ट करने की वजह बताऊँगा कैसे करना है, क्या क्या मैनेजमेंट करनी है। तो वीडियो में एंड तक बने रहे दोस्तों ताकि आपको पूरी जानकारी मिले छोटी छोटी, जो मुर्गी पालन में छोटे बच्चों का किस तरह मैनेजमेंट करते हैं। चाहिए, आइए चलते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों ये हमने कल तैयार करा है, इसमें कुछ चेंजेस करे हैं, आगे के खोल कर काफ़ी चेंज किया है और नीचे भी करा है। ये काफ़ी बड़ा है, अंदर से 20 बच्चे आराम से आ सकते हैं, 30। तो दोस्तों ये देखिए, तो दोस्तों इसमें काफ़ी चेंजेस करके बनाया है और एक और सिस्टम दिखाऊंगा मैंने क्या सिस्टम लगाया है। ये देखिए अभी मैंने इसमें कुछ थोड़े से मॉडिफिकेशन करने हैं। ये देखिए इधर कुंडी लगानी है मैंने, और ये जो है ये देखिए आपको स्लाइडर बना रखा है मैंने, ये भी बड़ा काम का है। ये देखिए अंदर इसको ऊपर अखबार बिछा के मैं मुर्गियों को बच्चों को मुर्गी के साथ छोड़ दूंगा, और बाकी एक और क्रेट में है जो मैं इसी में शिफ्ट करूंगा इन बच्चों के साथ, ताकि 20-25 इसमें हो जाए और इसमें मेरा 2 महीने तक का बच्चे 2 महीने तक इसमें आराम से रह सके, और बाकी मैं फिर फ्री रेंज में यहाँ पे छोड़ दूंगा खुले में। ये देखिए यहाँ, तो दोस्तों ये मैं आप स्लाइडर के बारे में बता रहा हूँ, ये देखिए ये मैंने नीचे से बनाया है और ये पीट वगैरह करेगी, मैं इसको खींच के निकाल लूंगा और साफ करके धो के वापिस लगा दूंगा। तो दोस्तों मैंने ये 1 इंच का गैप छोड़ रखा है, 2 इंच का, ताकि इन केस फ्यूचर में ये बीट वगैरह करते हैं तो इस पे गिरे और मैं खींच के साफ करके दोबारा लगा दूं। तो दोस्तों ये मैंने ये लगाया इनका बैठने के लिए, और बाकी मैं इधर ड्रिंकर फीटर लगा के सेट कर दूंगा और ताला लगा के। दोस्तों इसी तरह मैंने नीचे भी तैयार करना है, ये देखिए इसका बेस है ये, इसको ऊपर नीचे स्लाइडर लगाना है, मैंने अभी काट के सेटिंग करनी है, और इसमें भी मैं बच्चे छोड़ दूंगा, तकरीबन 40 करीब बच्चे हैं मेरे पास, तो इस तरह मैं करूंगा। बाकी छोड़ने के बाद किस तरह है बच्चे अंदर, और मैं अंदर बल्ब लगाना है, पूरा सेटअप करके आपको वीडियो जल्द दूंगी, बनी रहिए वीडियो में एंड तक। तो दोस्तों ये लास्ट स्टॉक बचा हुआ है, 11 बच्चे इसके भी हैं, और बाकी मैंने इसके बच्चे भी इसी में डाल दिए, देखो शिफ्ट कर दिए मैंने, बस इसको शाम को कुंडी लगा दूंगा इधर, बाकी मैंने बल्ब इधर लगा दिए, देखो अंदर फिट कर दिए होल्डर, और ये तार इसकी जा रही है देखिए, तो मैं इधर से कनेक्शन दे दूंगा। तो दोनों को बच्चे मैं इसी में डाल दूंगा और देखूंगा कि अगर ये इनकी माँ अगर बच्चों को ले लेती है तो इसके साथ छोड़ दूंगा, और ये ले लेती है तो इसके साथ छोड़ दूंगा। तो जौन सी इन बच्चों को रख लेगी, मारे ना, चोट ना पहुँचाए, जख्म ना करें, तो उनको मैं छोड़ दूंगा इनके साथ, ताकि इन बच्चों की ग्रोथ और अच्छे से हो सके और खुले में रह सके। तो दोस्तों एक दूसरा मेरा रीज़न था ये कि ये जो मेरा छोटे वाला था जहाँ मैंने 2x2 के में रखा था जब मुर्गी ने अंडे में से निकाले थे, तो उसमें से मेरा रीज़न ये है कि ताकि बच्चे खुले में रहे और अच्छी ग्रोथ होए और हाइजीन रहे, ताकि इनके बच्चों की ग्रोथ हो और आगे कोई बीमारी ना आए। बाकी मुझे कल इनकी वैक्सीनेशन भी करनी है, तो चलिए मैं शिफ्ट कर देता हूँ इनको। तो दोस्तों मैंने ये बच्चे शिफ्ट कर दिया इधर, ये देख सकते हो आप, ये पानी रखा है और फीड रखनी है, मैंने फीड हटा दिया क्योंकि वेस्ट कर रहे थे। ये देखिए बच्चे खुले रह रहे हैं इसमें, ये बैठने का आपको दिखाया था, इसमें आराम से 20 से 30 बच्चे आराम से आ जाएंगे, ये आपको दिख रही होगी। और जो दूसरे के बच्चे थे असम वाले के, वो बच्चे मैंने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए क्योंकि बच्चे चिल्ला रहे थे। ये देखिए ये बच्चे रख दिए असम वाले, ये फीड भी ख़त्म कर दी इन्होंने, और ये दोनों मुर्गियाँ लड़ पड़ी थी बड़ी वाली, इनकी माँ और इनकी माँ दोनों लड़ पड़ी थी। ये देखिए कितना खुली जगह, ये 11 बच्चे इसके हैं, 11 बच्चे इसके हैं। तो 20 दिन तक 25 दिन तक ये साथ रखेगी महीना भर,
इसके बाद ये बच्चे को छोड़ देते हैं, बच्चे खूब देखने लग जाते हैं अपना। और ये था इसका सेटअप। तो मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।